पॉलिटिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम लेओसी ओजेड सस्पेंशन का फुल रिव्यू करेंगे। अगर इस लेओसी ओजेड सस्पेंशन के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सामने आपको ये व्हाइट कलर का कागज़ का कैटर्न दिख रहा है जो कि लेओसी ओजेड इसमें सस्पेंशन है जो कि 30 ml का इसमें बॉटल है और इसके कंपोजिशन पे भी नज़र हम डालेंगे। देखिए ये इसमें जो इच ml 5 ml कंटेंट्स दिया हुआ है, इसमें लियो फ्लाक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड 125 mg दिया हुआ है और अर्निडाजॉल 125 mg दिया हुआ है और इस पर एक कंपनी द्वारा वार्निंग दी गई है, उस पर गौर कर लेते हैं। देखिए ये शेड्यूल एच ड्रग है, H1 ड्रग है, इसे आप बिना डॉक्टर के पर्ची के बगैर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और कंपनी पे गौर करेंगे। देखिए ये ओसियान फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है और काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है। चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। देखिए लियो फ्लाक्सासिन अर्निडाजॉल जो एक न्यू कम्बिनेशन है, यानी कि ये न्यू कम्बिनेशन बनाया गया है, दो मुख्यतः साल्टों को मिला कर ये बनाया गया है लियो फ्लाक्सासिन अर्निडाजॉल को, और इसका जो इस्तेमाल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आपके बच्चे को लूज मोशन वगैरह हो तो उन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल है, या खूनी पेचिस हो तब भी इसका इस्तेमाल है, या फिर सफ़ेद पेचिस हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल है, या आपके बच्चे के पेट में दर्द होता हो किसी इन्फेक्शन की वजह से तो उसमें भी डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कोई एंटी स्पाजमोडिक सिरप के साथ इस एंटीबायोटिक को, और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल है, या स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी लियो फ्लाक्सासिन अर्निडाजॉल सस्पेंशन का इस्तेमाल है। और ज़्यादातर इसका जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर लोग इसका दस्त में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डायरिया वगैरह हो जाता है बच्चों को तो उसमें दिया जाता है। ये सस्पेंशन है और ओनली पेडियाट्रिक यूज़ ओनली है, यानी कि छोटे बच्चों में ये चलता है, यानी कि जो 3 या 4 साल के लगभग के जो बच्चे हैं उन्हें दिया जाता है। इसके डोज़ के बारे में जानेंगे। इसका जो डोज़ है, अगर 3 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml दिन भर में 2 बार दे सकते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानेंगे। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है इसके पिलाने से, इसमें देखिए इसमें अर्निडाजॉल मिला हुआ है, और अर्निडाजॉल बहुत से लोगों को सूट नहीं करता और जिनको सूट नहीं करता उन्हें निम्न समस्याएं होती हैं, जैसे कि लाल लाल दाने उभर आना या चकत्ते उभर आना या खुजली स्टार्ट हो जाना या शरीर में चुनचुनाहट वगैरह स्टार्ट हो जाना या मुंह का टेस्ट बिगड़ जाना, तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं इसके कभी कभी इस्तेमाल से, जो कि बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, सभी बच्चों पर नहीं आते हैं इस तरह के साइड इफ़ेक्ट। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके प्राइस पे भी नज़र हम डाल लेते हैं। इसका प्राइस जो है देखिए 55 रुपये है, 30 ml का बॉटल 55 रुपये में आता है, और कभी भी इस बॉक्स इस सिरप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार अगर इसका सील खोल दे रहे हैं तो 1 महीने तक ये सही रहेगा, और 1 महीने बाद इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें ये सिरप ख़राब हो जाता है 1 महीना बाद खुलने के बाद, और इसमें फंगस वगैरह पड़ जाते हैं जो कि आपके बच्चों को साइड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।